हेलो दोस्तों, बार बार कंधा उतरने की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब कंधा बार बार उतरता है तो उसका इलाज कई तरीकों से किया जाता है। एक तरीका होता है आर्थ्रोस्कोपी बैंकार्ट रिपेयर, जिसमें दूरबीन की सहायता से इलाज किया जाता है। दूसरा होता है एक एडवांस तरीके से, जिसे कहते हैं लेटारजेट। बैंकार्ट सर्जरी तब सही रहती है दोस्तों जब आपका कंधा दो या तीन बार उतरा हो, आपका कोई हाई डिमांड का काम नहीं हो, ऑफिस ऑफिस का आप काम करते हैं और आपका जो हिल सैक लीजन है वो बड़ा नहीं हो, बोन लॉस ज़्यादा नहीं हो। लेकिन अगर बोन लॉस ज़्यादा हो गया है या हिल सैक इंगेजिंग हिल सैक है, ऑन ट्रैक हिल सैक है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आगे जाके जिम भी करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर मेहनत मजदूरी करनी है, तो ऐसे में लेटारजेट का विकल्प ज़्यादा अच्छा रहता है। बैंकार्ट की तुलना में लेटारजेट की जो सक्सेस रेट है वो भी ज़्यादा रहती है। लेकिन लेटारजेट एक टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी है और हर जगह ये प्रॉपरली हो नहीं पाती। काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल पर कमेंट करते रहते हैं कि सर आप इमीजिएटली सर्जरी के बाद के वीडियो दिखाते हैं, लेकिन जब पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद के वीडियो नहीं दिखाते। दोस्तों, प्रॉब्लम ये आती है कि लोग सही हो जाते हैं फिर मेरे पास आते ही नहीं है। अगर वो मेरे से मिलने आते हैं तो ज़रूर मैं आपको वीडियो दिखाता। आज इंद्रजीत जी मेरे साथ मिलने आए हैं तो मैं इनका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इंद्रजीत कहाँ के रहने वाले हो? मैं वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूँ। आपके कंधे का ऑपरेशन मैंने कितने साल पहले किया था? एक साल से ऊपर हो गया। आपको उस वक्त क्या दिक्कत आती थी जब आपने मुझसे ऑपरेशन करवाया था? उस टाइम मेरा शोल्डर डिलोकेशन हो जाता था पहले, तो एक दो साल बाद ही होता था, एक बार ट्रेन में होता था, इसीलिए उसके बाद ही मैं आया था सर के साथ मिलने। उस टाइम आपको काम करने में क्या दिक्कतें आती थी? काम में ज़्यादा नहीं कर पाता, ओनली ऊपर में उठाता था तो फिर लग जाता था इसीलिए। तो आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? आप कौन सी जगह के रहने वाले हो? मैं वेस्ट बंगाल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ। तो आप वेस्ट बंगाल से इतना दूर जयपुर कंधे के इलाज के लिए कैसे आ गए थे? मैं यूट्यूब पर फर्स्ट देखा था, उसके बाद सर के साथ बात किया, इसको बताया। तो आपको ऐसे यूट्यूब पे कैसे भरोसा हो गया? आपको लगा नहीं मैं कभी राजस्थान गया नहीं हूँ, कहीं मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो जाए? नहीं, आप जिसका नंबर दिया था उसके साथ मैं बात करके आया था। तो अभी आपके कंधे की मूवमेंट दिखाइए, हाथ कितना ऊपर जा रहा है आपका? अभी पूरा मूवमेंट आ गया। पीछे करिए। आपको जब लोगों ने आपको कहा होगा, जब आप कह रहे होंगे कि मैं जयपुर जा रहा हूँ कंधे का इलाज कराने, तो कुछ लोगों ने आपको भड़काया नहीं था कि कंधा जाम हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं था, मगर थोड़ा डर था। आपके मन में डर था कि थोड़ा सा डर था होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसीलिए। मगर मैं आया, सर्जरी का अभी मैं। उसके बाद ऑपरेशन के बाद कितनी बार कंधा उतरा आपका? नहीं, एक बार भी नहीं उतरा। आप सारे भारी काम कुछ कर पाते हो? क्या काम करते हो आप अभी? मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, होटल में। तो आपको लगता है कि उस ऑपरेशन को सक्सेस हुआ? ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ। और अगर मान लो बंगाल के और लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या कहीं इंडिया के कहीं उनके, क्योंकि पूरे इंडिया के लोग हमारे पास आते ही है, अगर उनका कंधा उतरता है तो आप उनको क्या रिकमेंडेशन दोगे? किसी का ये प्रॉब्लम है तो आप सर के साथ बात कर सकते हैं, आप इधर आके सर्जरी कर सकते हो। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आप कंधे का ऑपरेशन कराते हैं तो एक तो गारंटेड कंधा सही हो जाएगा, दूसरा मूवमेंट की आप देख सकते हैं इंद्रजीत की सारे दिक्कत सॉल्व हो चुकी है। कोई जैसे कई लोग आपको डराते हैं कि भाई कंधे का ऑपरेशन कराओगे तो कंधा जाम हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। अगर आप ढंग से एक्सरसाइज करते हो, जैसे जैसे हम गाइड करेंगे तो पूरा मूवमेंट आ जाता है। तो इंद्रजीत, मैं आपको इस जगह के लिए बधाई देता हूँ और अब आप पूरी तरह फिट हो जाओगे, किसी तरह की टेंशन की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है सर।